हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम भारत में पूरे हो चुके मेगा प्रोजेक्ट्स का पार्ट टू बनाएंगे। इससे पहले पार्ट वन में मैंने आपको 8 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था जो इस वक्त तक भारत में लगभग पूरे हो चुके हैं, और ऐसे ही 8 और मेगा प्रोजेक्ट्स हम इस वीडियो में भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन इसमें मैं वो मेगा प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड करूंगा जो भारत में लगभग अब अपनी स्टेजेस में है, यानी वो अगले कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आज चलते हैं एक और वीडियो की तरफ और जानते हैं भारत में पूरे हो चुके या फिर कुछ ही महीनों में पूरे होने वाले 8 और मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 8, आदर्श स्टेशन स्कीम इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे की आदर्श स्टेशन स्कीम के बारे में शायद आपने सुना होगा। रेलवे स्टेशन की खस्ता हालत के बारे में लगभग हर कोई जानता है, और वो हमारी रेलवेज और गवर्नमेंट भी जानती है, जिस वजह से इंडियन रेलवे ने आदर्श स्टेशन स्कीम की शुरुआत की थी। इसके तहत रेलवे स्टेशन को एक मॉडर्न लुक दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को इसके तहत इम्प्रूव और रेनोवेट किया जा रहा है, जिसमें रिटायरिंग रूम, नहाने की फैसिलिटीज़ के साथ लेडीज़ और जेंट्स के अलग अलग वेटिंग रूम, प्रॉपर पार्किंग की स्पेस, फुट ओवर ब्रिजेज और ऐसी ही कई तरीके की सुविधाएं रेलवे स्टेशन में बनाई जा रही हैं। साल 2009-2010 के आसपास इस रेलवे स्कीम की शुरुआत हुई थी, जिसमें अभी तक 1150 से भी ज़्यादा रेलवे स्टेशन को इसके तहत रेनोवेट किया जा चुका है, और सिर्फ गिनती के ही कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे बचे हैं जिनमें इस वक्त काम चल रहा है, और इसी साल के अंत तक उन बचे हुए सारे रेलवे स्टेशन को भी इस स्कीम के तहत मॉडर्न लुक दे दिया जाएगा। नंबर 7, नया रायपुर स्मार्ट सिटी। भारत में इस वक्त कई स्मार्ट सिटीज पर काम चल रहा है, और इनमें से ही एक है छत्तीसगढ़ की नया रायपुर स्मार्ट सिटी। इस पूरी सिटी को बनाकर 3 चरणों में तैयार करने का प्रस्ताव था, जिसका पहला चरण इस वक्त तक पूरा हो चुका है। प्रॉपर हाउसिंग सिस्टम, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम, 24/7 हाई एंड कैमरा सिक्योरिटी सिस्टम जैसी सुविधाओं के साथ ये स्मार्ट सिटी भारत की पहली इंटीग्रेटेड ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी भी है। इतनी सारी फैसिलिटीज की वजह से नया रायपुर इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से भी एक है, और सबसे बड़ी बात ये कि स्मार्ट सिटी को बनाते वक्त पर्यावरण और ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा गया है, जो कि वहां के वातावरण को भी आने वाले समय में खराब नहीं होने देगा। नंबर 6, डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर। कभी भारतीय रेलवे में यात्रा की है क्या आपने? अगर की है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ट्रेन हर बार समय से आपके ट्रैक या फिर अपने मंजिल तक पहुंच गई हो। भारत में आज भी बहुत सारी ट्रेन्स अपने निर्धारित समय से लेट चलती हैं, और इसका मुख्य कारण यह भी है कि पैसेंजर और मालगाड़ियां दोनों एक ही ट्रैक्स को इस्तेमाल करती हैं। मतलब अगर किसी मालगाड़ी को निकलना है तो उतनी देर पैसेंजर ट्रेन को रुकना पड़ेगा। लेकिन अगले साल से शायद आपको ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर पर काम चल रहा है। जैसा कि इसका नाम बताता है, ये अलग से पटरियां बिछाई जा रही हैं ताकि माल गाड़ियां उन पटरियों से अपनी मंजिलों तक पहुंच सकें बिना किसी पैसेंजर ट्रेन को दिक्कत दिए। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले 2 डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर्स पर काम हो रहा है, जिसमें एक है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर जो कि उत्तर प्रदेश से मुंबई तक है, और दूसरा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर जो कि पंजाब के लुधियाना से वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक है। इस कॉरिडोर में काफ़ी हद तक इस वक्त तक काम पूरा हो चुका है, और मालगाड़ियां भी इसके कुछ रूट्स पर चलने लगी हैं, और बचे हुए ट्रैक्स का काम आपको अगले साल तक हुआ दिख जाएगा। नंबर 5, अटल टनल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से इस टनल का नाम रखा गया है, जो कि भारत के नॉर्दर्न स्टेट हिमाचल प्रदेश में बन रही है। 9.02 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये टनल भारत की सबसे लंबी रोड टनल होगी, जो कि मनाली और किलोंग के बीच की दूरी को 46 यानी 46 किलोमीटर तक कम कर देगी। ये टनल समुद्र तल से 10,171 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है, जो कि इतनी ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी टनल भी है। इस टनल का काम साल 2010 में शुरू हुआ था, जिसमें 2 लेन्स बनाई गई हैं, एक
जाने के लिए और एक दूसरी तरफ आने के लिए। इस चैनल का काम इस वक्त तक पूरा हो चुका है और अगर आपको इसे देखने जाना हो तो बस अगले महीने तक का इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि इसे सितंबर 2020 में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। नंबर 4, चिनाब ब्रिज। भारतीय नॉर्दर्न यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर में भारतीय रेलवे द्वारा ये चिनाब ब्रिज बनवाया जा रहा है। स्टील और कंक्रीट से बन रहा ये ब्रिज बक्कल और कौरी के बीच बनवाया जा रहा है। पूरा होने के बाद 1178 फीट की ऊंचाई के साथ ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। इस ब्रिज की लंबाई करीबन 1315 मीटर की है, यानी लगभग 1.3 किलोमीटर। इस ब्रिज को असल में साल 2009 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन 2008 में ब्रिज की सेफ्टी और स्टेबिलिटी के कुछ कारणों की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा था। साल 2010 में ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ और अब बस ये ब्रिज अपनी आखिरी स्टेजेस में है और कुछ ही समय में इसे पूरा कर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। नंबर 3, ओमकार 1973 वर्ली। ओमकार 1973 वर्ली एक मल्टी स्काईस्क्रैपर प्रोजेक्ट है जो कि मुंबई में वर्ली में बन रहा है। ये 3 टावर का स्काईस्क्रैपर प्रोजेक्ट ओमकार रियल्टर्स द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट इसी साल बनकर पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपयों का खर्चा आया था, जो कि एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। ब्रिटिश इंटरनेशनल स्टूडियो फॉस्टर एंड पार्टनर्स ने इस प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन तैयार किया था, जिसका मेन कॉन्ट्रैक्ट भारत की ही कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को दिया गया था। इस साल पूरा होते ही ये भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक हो जाएंगी, जिनमें एक स्काईस्क्रैपर में 75, दूसरे में 70 और तीसरे में 68 फ्लोर्स होंगे। साथ ही तीनों में ही 3 अंडरग्राउंड फ्लोर्स भी बनाए जाएंगे ताकि वहां पर गाड़ियों को पार्क किया जा सके। इस प्रोजेक्ट पर इस वक्त काफ़ी सही तरीके से काम चल रहा है और बस इस साल के पूरा होते होते ये सुपर टॉल स्काईस्क्रैपर भी आपको अपना पूरा आकार लेते हुए दिख जाएंगे। नंबर 2, गगनयान। तो अजीब तो नहीं लग रहा, मैं अचानक से आपको धरती पर पूरे होने वाले मेगा प्रोजेक्ट से सीधा अंतरिक्ष में ले गया, लेकिन इसरो जो हमारे देश के लिए कर रहा है उनके प्रोजेक्ट्स भी किसी मेगा प्रोजेक्ट से कम नहीं है, और वो तो धरती पर चल रहे मेगा प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग है। इसलिए मैंने नंबर 2 पर गगनयान को रखा है। गगनयान भारतीय इसरो का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिससे भारत खुद के अंतरिक्ष यात्रियों को खुद की बनी टेक्नोलॉजी से ही अंतरिक्ष में भेजने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को वायमोनॉट्स कहा जाएगा, जैसे हम रशिया के अंतरिक्ष यात्रियों को कॉस्मोनॉट्स कहते हैं। रशिया में इस वक्त भारतीय वायमोनॉट्स अंतरिक्ष में रहने के लिए पूरी ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपको इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए इतना ज़्यादा इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी साल दिसंबर में इस मेगा प्रोजेक्ट का पहला प्लान्ड लॉन्च हो जाएगा। पहले लॉन्च से मेरा मतलब है कि इसरो इसमें अंतरिक्ष यात्रियों की जगह कुछ डमीज रखेगा और बाकी पूरा मिशन बिल्कुल गगनयान की तरह ही किया जाएगा। ये एक तरीके से टेस्ट फ्लाइट होगी, जिसके बाद दूसरी टेस्ट फ्लाइट अगले साल होगी, जो अगर पूरी तरह कामयाब रहे तो अगले साल ही आपको भारत के खुद के अंतरिक्ष यात्री खुद की भारत की टेक्नोलॉजी से ही स्पेस में जाते हुए दिख जाएंगे। नंबर 1, भादला सोलर पार्क राजस्थान। तो चलिए नंबर 1 के लिए वापस लौट करके आते हैं धरती पे, और इस बार हम जाएंगे भारतीय राज्य राजस्थान में, जहां मौजूद है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क। भादला सोलर पार्क जोधपुर राजस्थान में 14,000 एकड़ यानी लगभग 57 किलोमीटर स्क्वेयर के एरिया में फैला है। ये एरिया इतना बड़ा है कि इसकी एक बारी में साफ साफ ड्रोन से भी फुटेजेस नहीं ली जा सकती, जिस वजह से कई बार इसकी सैटेलाइट इमेजेस लेनी पड़ती हैं। इस पूरे सोलर पार्क को अलग अलग कंपनीज ने मिलकर बनाया है, जिसमें राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान जैसी कंपनीज शामिल हैं। 2,245 मेगावाट की कैपेसिटी वाला भारत में मौजूद ये सोलर पार्क सबसे पहले फेज में 420 मेगावाट के 6 पैकेजेस के साथ शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट में जब ऑक्शन हुआ था तो उसमें काफ़ी कंपटीशन होने की वजह से इस प्रोजेक्ट पर जो बिडिंग हुई थी वो आज तक भारत में किसी भी सोलर पार्क की ऑक्शन में हुए बिडिंग से सबसे कम था, करीबन 2.44 भारतीय रुपये पर किलोवाट आर। किलोवाट आर एनर्जी को मापने की ही एक यूनिट होती है, और अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं
तो आप ये समझ लो कि ये सोलर पार्क एक दिन में 90 लाख यूनिट तक की पावर को जनरेट कर देता है, यानी हर रोज 2400 घंटे 25 से 30 लाख घरों को सिर्फ इसके एक दिन की जनरेट की गई पावर से बिजली प्रोवाइड की जा सकती है। और इसके साथ ही कई लोगों को ये लगता है कि इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो चाइना में है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में बादला के बाद शक्ति स्थल 2050 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ भारतीय राज्य कर्नाटका में मौजूद इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है, यानी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भी भारत में ही है। और ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हर देश की उन आम आदमियों की उन ज़रूरतों को पूरी करता है जो किसी भी देश में किसी भी लाइफ के लिए बेसिक नीड्स हैं। तो आपको इन सब मेगा प्रोजेक्ट्स में से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया, या फिर किस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद आपने उसे देखने का प्लान बनाया है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।